आपके दिल में नबी की मोहब्बत है, अगर नबी की मोहब्बत है तो मुजाहरा होना चाहिए कि नबी की इज्जत के लिए जान कटाने के लिए तैयार है। प्यार हो इंशाअल्लाह।
से काम लगता है कि हम लोग ने अंदर आता है वो खराब जमुन नहीं गलत ठीक बनता है आप जो गलत करते हो लगता है कि जब वो किस्मों को कुछ कर रहे हो आपने कभी जब वो किस्मों को कुछ किया आपने रोजे आसस में नबी करीम को नाराज कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में आए करता नहीं करो नहीं करता जिनको अपना समझ करा रहा आज तक मेरे तबादी में नहीं करता जिनको अपना समझ करा रहा आज तक खेल को मेरे है खेल से कर गया मेरे खेलों की जमे इशारा नहीं और मैंने तुमने सीचे कहीं और चर इस समय में हमारा गुजारा है बात दूरों की होगी तो से लेते हैं बात तो कर को कभी हमारा नहीं इस जबान को कुछ चीजें निकलना चाहिए जो हम बिना बोल के दिखाए इस्तेमाल नहीं हुआ उस हाथ को काट देना चाहिए जो हम बिना बोल के उठता नहीं उस कलम को तोड़ देना चाहिए जो हम बिना बोल के इस्तेमाल नहीं होता इंशाअल्लाह हमारा कलम भी सब बिना बोल का है हमारी जबान भी सब बिना बोल के है हमें मालूम है जब इसलिए कि हम बिना बोल की गोली आएगी हम इंशाअल्लाह अपने सीनों को सामने रखेंगे और कहेंगे उधर को सुपरगर वो नाराज समाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए उन्होंने तो उसके बैठे हैं शामिल थे मुजाहिद तीन की औलाद है शोहदाए बराम फौज से हमारी निस्बत है आज ही बरमला माज रब्बी हमारे बड़े होते हैं हुसैन अहमद मदनी ये हमारे अकाबरों के खूब सुन रहे हमें अंदर से मत जाओ मैं तमाम लोगों का एहतराम करना चाहता हूँ जो हमारे जरिए हैं उनका भी एहतराम करना चाहता हूँ और क्या ये बात बता के बेवकूफ है ऐसे जो है उसका भी एहतराम करना एक छोटे से भाई आते तो बताए मजदूर भी करता हूँ एहतराम भी सब करता हूँ लेकिन मेरी एहतराम के लिए शर्त है कि आपने नबी की इज्जत और एहतराम रखना है तो मैं आपका एहतराम करूंगा और अगर आप नबी की इज्जत के लिए तैयार नहीं है तो हम ऊंचा बोलो हम इनकी इज्जत के लिए तैयार नहीं है अमन लाना चाहते हो तरक्की लाना चाहते हो इस्तेकाम लाना चाहते हो तो आपको हज़्म नबूवत पर पीछे होगा आपको हज़्म नबूवत नहीं छोड़ना होगा हम सारी बातें बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी की इज्जत खतरा नहीं कर सकते हमारी जवानी हमारे आबाद हमारी ताकत हमारा ये असर उनके सलाम के जरिए से अगर हमने नबी सलाम की इज्जत को सम्मान की क्या की तो हमको मर जाना चाहिए कि जिंदगी में सजा लेने की कोई जरूरत नहीं है हमारी मुश्किल को बचाओ ना हमारी मुश्किल को बचाओ कितनी जमीन की बात है ये किस्म खुद कर रहा था सदर साहब आपको ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ना पड़ेगा वजीराम साहब आपको खातिमुल नबीन का अर्थ दोबारा कहना पड़ेगा आप कोई क्या पैराग्राफ बर्दाश्त कर रहे हो अपनी कौन पैराग्राफ बर्दाश्त करो हमने पूछा ऐसे क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ हम पे मुकदमात बनाए गए बगैर किसी गलत की के तो गलत की गलत की के आप साथ दे हमसे ज्यादा मुकदमा कर रहा होगा आप तो पैसे लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हो जिन्होंने मोदा रखा रहे हो हम उन्हें बिजली कहते काटे बगैर पैसों के पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं और हम पाकिस्तान के नजरियाती मामले जो है कहीं मामले से आपसे बेहतर हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह आपका सशस्त्र क्या लगे पांच जिलों आसिया को और आपका हाईकोर्ट का जज के साथ वो जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दबाव आया तो उसको याद कर दिया मेरा दबाव है वजीर आजम हुआ है
इस फैसले को राज मुमताज के लिए कोई ऐसा अंदाज नहीं हुआ उसको बचाने के लिए गाजी बिलाल है उसके लिए कोई ऐसा अंदाज नहीं हुआ काजानियों के लिए ऐसा अंदाज हो गया आप देखिए आप लोगों की किस तरह से आई मुझे बताया जाए ये मोहम्मद अलीगढ़ रहमतुल्लाह अलैह ने आज के बर्बाद की तो उसको मना किया खत्म कर दिया और आज तक कलंक नहीं पकड़े गए बताया जाता है वो मौलाना अब्दुल रहमान ने किया कि नया अलग कर दिया जाए क्या था तो उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया मौलाना अलीगढ़ साहब ने पीटीआई को सपोर्ट किया अपने सपोर्टर को मारा उसका चाहिए उसे और आपका ये कहना है कि जिस कदर का अपना है फिर आपको करना चाहिए इंशाअल्लाह की जितने कदर हुए हैं इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह इसका बदला होगा इंशाअल्लाह कर्फ्यू लगाए एक उसी जमाने में और ये साजिश अल्लामा शोरश कश्मीरी आवाज शोरश कश्मीरी रहमतुल्लाह मुजाहिद खत्म नबूवत ने 1975 में इस साजिश को आश्कार किया कि यहां रिकॉर्ड करो फिर कादियानी रहेंगे मिलके दामों को जमीन खरीदेंगे और फिर कहेंगे इस इलाके में काबिल जा रहा है ये यहां पर कादियान तस्वीर बना दिया जाए इसराइल बना जाएगा इसराइल जिस तरह अरबों में इसराइल ये अजब इसराइल ये जो आज इसराइल है और जिसके लिए आप आपको नहीं है फिर तो तस्लीम करो फिर अपने इसराइल का मनसूबा ये मेरे नहीं था सारी दुनिया की यहूदी जगहों में और उन्होंने निश्चित तौर पर उसे कहा कि सारे यहूदी महाजन होगा महाजन होगा बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में अजमी इसराइल बन रहा पाकिस्तान में ये जानता हूं कि आपके दिल में नबी की मोहब्बत है अगर नबी की मोहब्बत है तो मुजाहरा होना चाहिए कि नबी की इज्जत के लिए जान कटाने के लिए जाए समझाना भी चाहते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए भी किरदार अदा करना चाहते थे लेकिन आपने मेरे साथ सलाम की इज्जत को महफूज बनाया होगा नबी की इज्जत महफूज है तो हम महफूज है और वो महफूज नहीं तो हम महफूज नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसा पाकिस्तान बनाओ कि वहां नबी की इज्जत में दाखिल करने लगे हम खामोश हो जाए इंशाअल्लाह नबी का कोई बेटा ऐसा खामोश नहीं होगा